साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो थोड़ी सी तफसील अगर आप हमें बता दें कि जो सोयाबीन और जो मुर्गियों की जो फीड है वो अब पोर्ट पर रुके हुए हैं उसके कंटेनर। हाँ, वो रुके हुए क्यों है जरा ये भी रीजन बताइएगा, फिर आगे भी आपसे बात करेंगे। देखो शुक्रिया एक तो आपके चैनल का और आप लोगों का कि आप लोगों ने इस इशू को मुझे लाइन पे लिया। देखिए ये इशू 20 अक्टूबर से हमारे वहाँ पर पोर्ट पे कोई 6 लाख टन सोयाबीन जो है वो वहाँ पर हमारी पहुँची है जो रिलीज नहीं हो रही है, और वो सोयाबीन जो साल्वेंट इंडस्ट्री उसको इंपोर्ट करती है वो किसी गवर्नमेंट का इनका वजह से जो है वो रिलीज नहीं हुई है। वो जो सोयाबीन सीड जो वहाँ इंपोर्ट होती है उससे जो है देखें एक तो क्रेशिंग करके साल्वेंट इंडस्ट्री वाले एक तो उससे ऑयल निकालते हैं जो आम आप बाजार में देखते हैं, कनोला ऑयल सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है, और उसका जो मील बचता है वो हमारी पोल्ट्री फीड जो हमारी पोल्ट्री फीड है डेयरी फीड है उसमें इस्तेमाल होता है। तो पिछले तकरीबन 20 अक्टूबर से ये रुका हुआ था, 10-15-20 दिन का हमारे पास स्टॉक था। इस वक्त फीड मिल के पास स्टॉक खत्म हो गया। जो फीड मिल पे ये एक हमारे पास सेफ प्रोटीन सोर्स है जो सोयाबीन मिल की है, हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया। स्टॉक खत्म होने की वजह से फीड मिल वालों ने चूजे जहाँ जो फार्मर है उनको मना कर दिया कि हमारे पास इसकी खुराक नहीं है, हम आपको फीड नहीं दे सकते हैं। तो फार्मर पिछले 20-25 दिन से चूजा नहीं डाल रहा है। उस चूजे ना डालने की वजह से आज की अगर मैं आपको बता दूं तो चूजे की कीमत तकरीबन कोई 10 रुपए 5 से 10 रुपए है, और वो भी चूजा फार्मर नहीं डाल रहा है। ना डालने की वजह यह कि उसके पास खुराक नहीं है। तो इस फीड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या मोहम्मद? देखिए इसका अल्टरनेट इस फीड की जगह कुछ और फिर इस्तेमाल हो सकता है या कुछ भी नहीं है बस? नहीं देखिए अल्टरनेट हमारे पास कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पिछले 10-15 साल से अमेरिकन कनाडा यूक्रेन से हमारे पास इंपोर्ट होती है सीड, उसका ऑयल निकलता है और इसकी मील जो है हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की जरूरत हमारी सिर्फ इसमें मील है, वो सेफ प्रोटीन सोर्स है, उससे फीड बनती है। तो इस वजह से जो है ना, अब जैसे हमने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने कहा था कि 15-20 दिन के बाद अगर इस माल को इस वक्त फौरन रिलीज ना किया गया तो 15-20 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान में, देखिए एक फिगर मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री 38 से 40 लाख बर्ड्स मुर्गी रोज हम इस पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री 3.5 करोड़ अंडा जो है वो रोजाना हमारा पोल्ट्री इंडस्ट्री सप्लाई करती है। तो ये एक अगर फीड नहीं होगी तो इसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, जब प्रोडक्शन खत्म होगी तो इसकी कीमतें बढ़ेगी। हमारे पास इस वक्त मुल्क में जो सबसे अच्छी सेफ और हेल्दी और सस्ती जो प्रोटीन सोर्स है वो हमारे पास चिकन और अंडा। मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा गुलाम मोहम्मद साहब, मुख्तसरन बताइएगा। दो चीजें पूछना चाहूंगा मैं, एक तो ये कि हुकूमत से अब जब आपकी कोई बात हुई है तो वो हुकूमत का मौकफ क्या है? देखिए हमने सारी बाजार